जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के ओंसी जीरो माइल चौक पर किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को महागठबंधन की ओर से राजद के मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष शीतलाम्बर झा एवं माले के ध्रुव नारायण कर्ण के नेतृत्व में कृषि कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई गई। इस मानव श्रृंखला में विपक्षी पार्टियां जैसे राजद, कांग्रेस, माकपा, सीपीआई, भाकपा माले सहित कई पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ, मधुबनी कांग्रेस जिलाध्यक्ष शीतलाम्बर झा, भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण एवं विपक्षी पार्टियों के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए मानव श्रृंखला बनाया। इस मौके पर विधायक समीर महासेठ ने बताया कि किसानों की हकमारी के खिलाफ आज हम सब ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर 30 जनवरी को नए कृषि कानून सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन पर है और मुख्यतः किसान आंदोलन पर क्यों है ये अभिव्यक्ति अब कहने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को एक तरफ अपनी जो मांगे हैं कि जिस प्रकार तीनों काला कानून बिना किसान के समर्थन के बिना पूरे देश में ये पता किए बिना किसान आज तक आपसे जो अपेक्षा रखता था वो अपेक्षा पे खड़े नहीं रहे। कारण कि केवल आप नेतृत्व जगाने की बात करते रहे, समाज को बांटने का काम करते रहे और समाज को बांट करके राजनीति करते रहे। पहले पूरे भारतवर्ष के किसान से जुड़े हुए 70 करोड़ आबादी किसानों के साथ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि किसान के साथ जो समर्थन मूल्य का ही डिमांड था कि आप जो परचेज कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जो सरकार पहले से जो कानून बनाए हुए था, जितने तरह की कानून था उसको रिपील करते हुए आपने नए कानून को लाया। उस कानून के विरोध में दिल्ली में लगातार 2 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, लोग सड़क पर हैं, लेकिन आपके कान में जू नहीं रेंग रहा है। आप उसके दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं, पूरे देश के दर्द को नहीं, ये मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। हे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप में थोड़ा सा भी शर्म है तो एक चुल्लू पानी में डूब जाए, ताकि आप किसी किसान का जब आप हितैषी नहीं है तो देश द्रोह, केवल जो बीजेपी ज्वाइन करता है वही सच्चा देश का सच्चा सिपाही है। और आप जहां तक लाल किले के बारे में आप हमेशा झूठा प्रचार करके अपने द्वारा झंडा फहरवाने का काम किए थे, ये गलत नीति आपकी है। देश देख रहा है, किसान देख रहा है कि बिना कोई सी के मरमरी के किसी प्रकार का कोई सरकारी अनुदान या सरकारी कोई लाभ नहीं लेकर के आपने बिजली पानी तक काटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका मंशा कहाँ है, सरकार की मंशा कहाँ है। ये जनता, बिहार की जनता, हमारे तेजस्वी जी ने जो आह्वान किया कि महागठबंधन के लोग आज रूट चार्ट, हम लोग हेडक्वार्टर पर हैं, लेकिन रूट चार्ट जो है दिल्ली मोड़ से लेकर के कि नहीं चला है। इसलिए कहीं न कहीं जो सकरी से लेकर के हमारे यहाँ तक का था वो परिवर्तन हुआ और लास्ट कल ही परिवर्तन हुआ है। इसलिए जो संख्या बल है, आप मान के चले कि 5 गुना संख्या बल आगे भी रहेगा, ये मनोबल है। और आगे हम अपने पार्टी से, महागठबंधन से आग्रह करेंगे कि आने वाला टाइम में एक बार मशाल जुलूस का भी आप आह्वान करें, ताकि मशाल जुलूस के बाद वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा मशाल जुलूस, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम माले के लोग इस रूप में आ जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि बिहार का एक एक किसान और एक एक जो समाज के ऐसे लोग हैं जो आपसे कोई उम्मीद नहीं करते, आप जीडीपी का भट्टा बैठा दिए, देश का भट्टा बैठा दिए, और जो किसान, जो गरीब किसान है उनका भी जमीन को आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट आपका नजर चला गया है। देश दुनिया के हिसाब से आप अलग चलना चाहते हैं, सबों से अलग चलना चाहते हैं, ये कौन सा है? निश्चित तौर पर ये पार्टी निर्णय करेगी। हम लोग आह्वान करते हैं कि अगला जो है मशाल जुलूस आप निकलवाने का काम करें, ताकि
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आ जाएगा कि बिहार में इतने लोग महागठबंधन के जो मशाल जुलूस के लिए तैयार हैं, आज कह सकते हैं कि पिछली सरकार लगातार 3 महीने तक स्कूल कॉलेज पूरा प्रशासन लगा रहता था, तब उनका कि नहीं कहीं न कहीं सफल होता था। आज जो जनता सड़क पर है, इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अपने बेबाकी से पार्टी से ऊपर उठ करके हे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम आपसे आह्वान करते हैं, आप इसे साथ दें, नहीं तो अच्छा जो अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके पुनः महागठबंधन ज्वाइन करेंगे। ये टारगेट हम बताते हैं। आज जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आने वाला टाइम में भारतीय जनता पार्टी के लोग सब भी ज्वाइन करेंगे महागठबंधन। ये उम्मीद के साथ आपके सामने सारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साथी को हम प्रणाम करते हैं कि आपका मैसेज बहुत पॉजिटिव जाए, जिस पॉजिटिव के आधार पर जो आपके घर तक जो चावल दाल पहुंच रहा है उसका मूल्य में दुगुना वृद्धि नहीं हो। एक गोभी जो मात्र 5 रुपए में मिलता है वो मैंने उसके द्वारा जो कॉरपोरेट जगत के द्वारा मिलेगा आपको 50 से 60 रुपए में गोभी मिलेगा। और चावल दाल और सभी चीज का आप देख लें इनडायरेक्ट पूरे बिहार में जो आपके घर तक पहुंच रहे हैं तिगुना दाम अभी तक ही जो बढ़ गया है। एक साल कोरोना वायरस के नाम पे आपने देश दुनिया को मूर्ख बनाया। पॉजिटिव में निगेटिव और निगेटिव में पॉजिटिव बिहार देख रहा है। जितना बाहर से लोग आए आपने कोई कल्याण नहीं किया, और जब नहीं कल्याण किया तो अपना एंटीबॉडी तैयार करके बिहार के जितने लोग हैं, इसलिए सेकेंड टाइम में जो कोरोना है बिहार में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा कि इनके निगेटिव के चलते ये पॉजिटिव हुआ है, पॉजिटिव के चलते निगेटिव नहीं हुआ है। पूरे दुनिया में पहले ही रोका गया, इसलिए दोबारा आ रहा है। यह पहले फेज में हर एक 2 आदमी में 1 आदमी को कोरोना पहले ही हो गया, जो पहले से नहीं पता चला। हे बिहार के मरे सत्ता पर सुख भोगने वाले लोग, तुम्हारे निगेटिव के चलते कोरोना वायरस हम बिहार से भगा रहे हैं, तुम्हारा कोई योगदान नहीं है।